बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। और किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, काफी कोशिशें हो रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि सब कुछ ठीक ठाक चले। आपको क्या लगता है, हो पाएगा सब कुछ ठीक ठाक? अरे भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसी सभाएं हो रही है, जैसा रिस्पांस महाविकास आघाड़ी के इसको मिल रहा है, तो मैं बताता हूं कि लोगों का रिस्पांस देखकर ही एनसीपी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, ये सब इंटैक्ट है। जिस तरीके से उद्धव जी को पदच्युत किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, लोगों को ये नागवार गुजरा है। अगर आप के दोनों भी, मैंने राजीव को भी सुना और विनोद को भी सुना, तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, कुछ हो तो सीमा जी बता देंगी। लेकिन जहां तक महाविकास आघाड़ी में रहने की बात थी, शरद पवार जी ने तो पहले ही स्पष्ट किया था, लेकिन अजीत पवार जी ने बोला कि मैं ईडी सीबीआई की तकलीफ से जेल में जाऊंगा, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी में रहूंगा, बीजेपी को नहीं झुकूंगा। तो वो उनका जो कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन ऐसा नहीं है। वो औरंगाबाद के सभा में भी थे और वो नागपुर के सभा में भी थे और वो खुद खुद सभा में भी बातें कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अजीत पवार ने पूरी धुरा संभाली है, तो ये बात तो क्लियर है कि जिसके सांसद ज्यादा रहेंगे उसका पंतप्रधान बनेगा, जिसके विधायक ज्यादा रहेंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो तीनों पार्टियों के अंदर ये प्रयत्न करना चाहिए। अब तो लड़ाई लड़ चुके हम। अब बीजेपी महाराष्ट्र में 48 में से 4 भी जगह ले नहीं पाएगी, और तो और 200 जगह पर विधायक महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां रहते हुए विपनेश, जब मैं ग्राउंड में हूं, मैं किसान नेता हूं, आदिवासियों में घूमता हूं, जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अजीत पवार कभी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। हाँ, जनता का रुख वो भी अच्छे से जानते हैं, तो जनता का रुख देखते हुए महाविकास आघाड़ी और उनके साथ वंचित आघाड़ी, यह बीजेपी के खिलाफ जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन पूरे इंडिया पर अपना रिफ्लेक्शन छोड़ेगा। और ऐसे भी 300 सीटों पर विपक्ष एक हो चुका है सांसदों के, और महाराष्ट्र में तो 288 सीटों पे हमारा कॉम्पैक्ट है। तो अजीत पवार जी का आना जाना असंभव है। अजीत पवार जी ही विपक्ष में बड़ा रोल अदा करेंगे, ये तो मीडिया की खबरें है। नहीं तो क्या 24 की जो बड़ी लड़ाई है वो महाराष्ट्र से शुरू होने जा रही है क्या, किशोर तिवारी जी? जी, आपने बहुत अच्छा बोला, महाराष्ट्र से शुरू होने जा रही है, उत्तर प्रदेश में आके रुकेगी, बिहार भी साथ में है। लेकिन टूट के साथ कैसे शुरू होगी? टूट के साथ कैसे शुरू होगी? अरे भाई, उद्धव जी लीड कर रहे हैं और अजीत पवार और हम सब एक है। मैंने अजीत पवार से व्यक्तिगत बात की ना। क्या क्या बात हुई व्यक्तिगत, और अजीत पवार जी ने क्या कहा आपको व्यक्तिगत रूप से? अरे भाई, मूर्ख आदमी है जो डूबती नैया में पैर रखेगा, मूर्ख आदमी रहेगा। उन्होंने बोला, मैं क्या एफिडेविट पे लिख के दूं? सब मीडिया वालों की बातें है, कोई जाने वाला नहीं है, कोई कोई किसी के साथ जाने वाला। 6 महीने के बाद चुनाव आने वाले, आज सांसद कहीं लोकसभा के साथ चुनाव लेने की बात बीजेपी कर रही है, क्यों जाएंगे डूबती नैया में, क्यों रखेंगे पैर? लेकिन किशोर तिवारी जी, जैसा आप कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल उद्धव ठाकरे जी के लिए ये है, किधर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, उद्धव ठाकरे जी भी अभी चुप हैं, संजय राउत को आगे कर रखा है, उन पर तमाम सवाल उठते रहते हैं कि जब जब वो आगे हुए हैं कुछ अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो अगर महाविकास आघाड़ी टूटती है, सीपीएम फूट पड़ती है, तो शरद उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल, इसका जवाब मैं लूंगी, दोबारा आऊंगी आपके पास। एनसीपी प्रवक्ता का मैं रुक कर